Hakuna Matata, this is Arsh, your maths master teacher at Vedantu. Kaise ho bachcho, badhiya ho. Aaj ke session mein I am going to tell you an amazing trick jisse aap square of a number to aise nikaloge. Yes bachcho, yes. To square nikalne ki main trick leke aa rahi hu is session mein. Isme hum two digit numbers and three digit numbers ko cover karenge, theek hai? To kya aap aisa feel karte ho? कैलकुलेशंस है ना, बहुत बुरा हाल हो जाता है. तो मेरे पास एक है मैजिक ट्रिक, तो उससे हम इन दोनों तरह के नंबर्स के स्क्वायर ऐसे ऐसे निकालेंगे विद द स्नैप ऑफ अ फिंगर. सो लेट्स चेक इट आउट. बट बिफोर दैट मुझे आप सबको बताना है कि जो जो आप प्रॉब्लम्स फेस करते हो ऑनलाइन पढ़ाई करने में, उनका मेरे पास वन स्टेप सॉल्यूशन है. यस जी हाँ, वन स्टेप सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या है कि जो भी ये डाउट्स की प्रॉब्लम है, ये नोट्स की प्रॉब्लम है, टेस्ट असाइनमेंट्स का नहीं पता चलता कहाँ से लें, कहाँ से टेस्ट सीरीज बाय करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर पाते, तो सबका मेरे पास वन स्टेप सॉल्यूशन है बच्चों. दैट इज वेदांतु प्रो की सब्सक्रिप्शन. यस यू हर्ड मी राइट, वेदांतु प्रो. मैं अपने हर सेशन में आपको बताती हूँ ताकि कोई भी बच्चा ऐसा रह ना जाए जिसको पता ना हो. तो बच्चों वेदांतु प्रो में आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी. हाँ, तो क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो भी टीचर लिखता है वो एज इट इज सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है और वो एज अ नोट्स आपको मिल जाते हैं. यस, तो मतलब टीचर के हैंड रिटन नोट्स साथ के साथ लेक्चर एंड होते ही आपको मिलते हैं, आपके हाथों में होते हैं. डाउट सॉल्विंग, हाँ, क्लास के अंदर ही टीचर तो पढ़ा रहा होता है, साथ में तीन चार और टीचर्स होते हैं जो कि सिर्फ डाउट सॉल्विंग कर रहे होते हैं आपकी. बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है. टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, ये साथ के साथ आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं, आपको असाइनमेंट्स दी जाती है फॉर मोर एंड मोर प्रैक्टिस ताकि आप प्रो बन जाओ. बिल्कुल हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, PRO, PRMO, RMO जैसे एग्जाम्स, NTAC वगैरह सब करवाया जाता है बेटा. ये सब कुछ आपका एक ही पैकेज में आ जाएगा. बस आपको एक पैकेज खरीदना है, उसमें सब कुछ मिल रहा है. देखो एक ही सोल्यूशन है, वन स्टेप सोल्यूशन, तभी मैं इसको बोल रही हूँ. साथ में शेड्यूल अपनी मर्जी से चूज करो, लैंग्वेज अपनी मर्जी की चूज करो, हाँ, और पढ़ो मजे से. जी हाँ, समझ में आई बात. तो बहुत ही अमेजिंग है यार, जैसे आप मेंटी करते हो, जैसे आप हम यहाँ पे अमेजिंग ट्रिक्स करते हैं या मेंटी सेशंस होते हैं, तो हर क्लास में इंटरेस्टिंग क्विजेस कंडक्ट करवाई जाती है. एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, फिर क्विज होता है, कॉन्सेप्ट होता है, क्विज होता है, और लास्ट में आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चा वे से पढ़ाया जाता है आप लोगों को. व्हाई डोंट यू कम एंड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अभी हमारे पास कितना चल रहा है, 15% डिस्काउंट चल रहा है. इट इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, तो मत पीछे रहो बाकी बच्चों से जो कि ऑलरेडी ये चीज ज्वाइन कर चुके हैं. साथ के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स जिसकी मैंने बात करी वो तो सॉल्व होने ही वाली है, उसके साथ ये बोनसेस भी मिल रहे हैं. अब इन बोनसेस में क्या है तो आप बोलोगे, तो लेट मी टेल यू कि लाइव क्लासेस अनलिमिटेड, मतलब जितनी जितनी कैपेसिटी है, जितना मन करता है पढ़ने का, पढ़ाई करो, दिल खोल के पढ़ाई करो, कोई नहीं रोकेगा. जितनी मर्जी लाइव क्लासेस लो. उसके बाद माइक्रो कोर्सेज होते हैं, चैप्टर वाइज कोर्सेज, मतलब जिस भी चैप्टर में डिफिकल्टी है उठाओ माइक्रो कोर्स और पढ़ाई कर लो, चैप्टर दोबारा से रिवाइज कर लो, दोबारा से पढ़ लो, कुछ भी समझ नहीं आए फिर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये फ्री है आपके लिए बिल्कुल. क्रैश कोर्सेज, पेपर्स आ रहे हैं, कोई भी एग्जाम आ रहा है, यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, तो आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, जैसे भी जितना भी रिवाइज करना है, तो आपके लिए क्रैश कोर्सेज हमेशा अवेलेबल है. जी हाँ, और साथ में क्या है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी मिलेंगी कि कहाँ पर वीक हो, कहाँ पर स्ट्रांग हो, फिर पर्सनलाइज अटेंशन तो मिलेगी ही. यस, ठीक है, तो करना क्या है, विजिट दिस लिंक, उसके बाद अपना ग्रेड सिलेक्ट करो, बोर्ड सिलेक्ट करो, क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन. तीन प्लान आएंगे आपके सामने, जो भी बढ़िया लगता है ले लो. मैं तो बोलूंगी ले लो, बिकॉज अभी 15% डिस्काउंट चल रहा है. ठीक है, तो डिस्काउंट कैसे मिलेगा आपको, अगर आप यूज करते हो ADK प्रो कूपन कोड, यस, तो सीधा सीधा 15% डिस्काउंट मेरे बच्चों को मिल जाएगा. ठीक है ना, सही है ना. तो वन मंथ का लेते हो तो देखो 15% करके इतना कुछ डिस्काउंट पड़ेगा, थ्री मंथ्स का लेते हो तो इतना कुछ डिस्काउंट पड़ रहा है, एंड सिक्स मंथ्स का लेते हो तो इतना कुछ डिस्काउंट मिल रहा है आपको. आई वुड प्रेफर कि आप ये लो, बिकॉज दिस इज योर पॉकेट फ्रेंडली डील. ऐसे क्यों बोला मैम, क्योंकि ये जो पर मंथ है आपका सीधा 1629, मतलब 1629 पर मंथ में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे. जी हाँ, जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देन SST इंग्लिश, ये सारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे आपको पढ़ाए जाएंगे. कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है बताया जाएगा. ठीक है, इवन SST बहुत दिक्कत आती है, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम आती थी. ठीक है, तो SST में कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, कैसे मार्क्स ज्यादा लाने हैं, सब कुछ बताया जाएगा. तो क्यों ना तुम आ जाओ और ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर लो, है ना, बहुत ही फायदे की डील है. राइट, तो करना क्या है, विजिट दिस लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्लिक करो, यूज द कूपन कोड ADK प्रो.
कौन सा कूपन कोड? ADK PRO। अगर आपको याद हो मेरा नाम तो ये मेरे नाम के इनिशियल्स हैं, ठीक है? तो ये आपका कूपन कोड है, इसको लगाना मत भूलना। चलो अब चलते हैं ट्रिक की तरफ। यस, सो एक्साइटेड एक्साइटेड, यस आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू द ट्रिक, है ना? बहुत मजेदार ट्रिक है, तो देखें। तो चलो जी देखते हैं, पहले 2 डिजिट नंबर्स की ट्रिक देखते हैं। करना क्या है, 2 डिजिट नंबर को जब आपने स्क्वायर करना है, 3 ब्लैंक्स बना लो। फर्स्ट ब्लैंक में क्या करना है, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, फर्स्ट ब्लैंक में कर देना है इसका स्क्वायर। सेकेंड ब्लैंक में फिर पहले थर्ड ब्लैंक फिल करते, थर्ड ब्लैंक में कर देना है इसका स्क्वायर, तो कर दिया। बीच वाले में क्या लिखे, बीच वाले में कुछ नहीं, दिस इंटू दिस इंटू दिस, मतलब 4 × 1 × 2 सेंटर वाली ब्लैंक में। कहानी खत्म, आने वाला है आंसर, बस आंसर निकालो। 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8 एंड 1 square is 1, तो 1681 इज योर आंसर। कितना टाइम लगा? नहीं लगा ना, अमेजिंग है ना, मजेदार है ना? तो लाइक करो यार सेशन को, वीडियो को लाइक करो जल्दी से, है ना? तो देखो तो सही, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाली ब्लैंक में फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, लास्ट वाली ब्लैंक में लास्ट डिजिट का स्क्वायर, बीच में क्या करना है, दिस 4 × 1 × 2, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो इंटू टू हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। और एक चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट आ सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट आ सकते हैं। ये लास्ट वाली में तो चलेगा, बट यहाँ पर 1 डिजिट आएगा, तो अगर 2 डिजिट में आपका आंसर आता तो दूसरा कैरी ओवर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चंस भी करके दिखाती हूँ, पर ये बता दो मजा आया ना, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ओके, सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वही सेम चीज करेंगे, 5 का स्क्वायर इधर लिखेंगे, फिर 7 का स्क्वायर लास्ट वाली ब्लैंक में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 था तो 5 स्क्वायर इधर आ जाएगा, 7 है तो 7 स्क्वायर इधर आ जाएगा। बीच में क्या करना है, क्या बताया था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर उनको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो मतलब 5 × 7 × 2 सेंटर वाली ब्लैंक में। याद क्या रखना है कि यहाँ पे सिंगल डिजिट लिखना है आपको, 2 डिजिट्स वाले में यहाँ पे आप सिंगल डिजिट लिखोगे। तो जब मैंने 5 स्क्वायर किया तो आया 25, यहाँ पर चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट वाला है, राइट? तो यहां पर क्या आएगा, 7 × 2 = 14, 5 = 70, है ना? पर 70 का 0, क्योंकि सिंगल डिजिट लिखना है, तो 0 यहां पर लिखेंगे और 7 आएगा 5 के ऊपर कैरी। समझ में आई बात? तो ये कैरी ले लिया 70 इसके लिए। उसके बाद 7 × 7 = 49, तो लिख क्या सकते हैं, सिर्फ 1 डिजिट, तो 4 होगा हमारा कैरी और 9 होगा हमारा यहां पर, ठीक है? तो वन्स प्लेस वाला डिजिट है जैसे हम करते हैं नॉर्मल, तो उसको आपने ब्लैंक पे फिल करते रहना, बाकी वाले को कैरी ओवर लेते रहना। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? बस आगे आंसर क्या था, कुछ भी नहीं। तो 9 यहाँ पर 9 आ गया, 4 + 0 = 4, 7 + 5 = 12, पर यहाँ पे सिंगल डिजिट लिखेंगे, 1 कैरी, तो 2 + 1 = 3, 3 × 4 = 9 इज योर आंसर। इट्स मैजिक, इजंट इट? इट इज मैजिक, राइट? राइट, समझ में आया? अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे, बताओ करोगे ट्राई? तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रिक समझ में आ गया ना बच्चों? तो फर्स्ट ब्लैंक में फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, लास्ट ब्लैंक में लास्ट डिजिट का स्क्वायर, बीच में दोनों डिजिट की मल्टीप्लिकेशन विद 2। यस, उसके बाद बस एडिशन है, नथिंग एल्स। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको खुद करने की कोशिश करो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, खुद करो, उसके बाद फिर मैं आपको करके बताऊंगी कि कैसे होना है। करो करो करो, फर्स्ट ब्लैंक में फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, सेकंड ब्लैंक में इधर, थर्ड ब्लैंक में, बीच वाले में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना आपस में एंड देन 2 से, तो बस यही तो करना है। हो गया, आ गया होगा आंसर अब तक, सेकंड्स में तो आ रहा है आंसर, बिल्कुल। तो चलो मैं करके दिखाती हूँ। तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा 9 का स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर, बीच में आ जाएगा 9 × 2 × 2, इजंट इट? 9 × 2 × 2, तो 9 square 81 लिख दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 36, तो 3 कैरी और 6 यहां पर, क्योंकि हम सिर्फ सिंगल डिजिट लिख सकते हैं। 2 square is 4, तो 4 का एज इट इज लिखो, बस एडिशन करनी है, यहां से एडिशन करते आ जाओ, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, 3 + 1 = 4 आ जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा, 8 × 4 = 64 इज योर आंसर। क्या था? कुछ भी नहीं था, अमेजिंग था ट्रिक, तो अमेजिंग था। तो लाइक द वीडियो गाइज, लाइक द वीडियो। तो अब हम बढ़ते हैं 3 डिजिट नंबर की तरफ, करें, हाउ इजी इज दैट, इजंट इट? बहुत इजी। तो चलो 3 डिजिट नंबर का देखते हैं, वो भी कहानी ऐसी है, बस सिर्फ इतना सा चेंज है। वो चेंज क्या है, वो चेंज ये है कि आपको, जैसे मैंने बोला था ना कि सिर्फ 1 डिजिट लिख सकते हो, क्योंकि अब 3 डिजिट नंबर है, बड़ा हो गया, तो 1 डिजिट से काम नहीं चलेगा, तो हम 2 डिजिट लिखेंगे और 1 को कैरी लेंगे। तो क्या करेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे और 1 को लेंगे कैरी। तो देखो कैसे करेंगे।
तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है वो ये है बच्चों कि इस वाले नंबर को आप फर्स्ट नंबर कंसिडर करोगे और ये जो नंबर है इसको एक दूसरा नंबर कंसिडर करोगे, मतलब 3 को इंडिविजुअल नंबर लोगे एज अ 3 और इसको आप लोगे एज अ 15। तो ट्रिक सेम है, बाकी सब कुछ सेम सेम। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर जैसे पहले किया था, फिर अब ये पूरा का पूरा लेना है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15 का स्क्वायर। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम, तो यहाँ पर क्या लिखते थे, 3 into this number into 2, तो वही करेंगे 3 into 15 into 2। ठीक है, बिल्कुल सेम। उसके बाद बस इनका आप कैलकुलेट कर लो, 3 3 9 होता है, 9 लिख दिया, तो 15 2 33 90 होता है, तो 90 का 90 लिख दिया क्योंकि हम 2 डिजिट्स लिख सकते हैं यहाँ पे। 15 स्क्वायर क्या होता है, 225 है ना, तो 25 तो यहाँ लिखेंगे, ये 2 कैरी हो जाएगा, तो 225 में 25 तो यहाँ लिख देंगे, 2 कैरी हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। उसके बाद सिंपल एडिशन आ गया आंसर, तो क्या एडिशन हुई, 5 का 5, 2 का 2, यहाँ पे 2 प्लस 0 2, 9 9 9 9 2 2 5 इज योर आंसर। मजा आया, मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया आपको ट्रिक बता के, कि आपको मजा आया ट्रिक करके। ठीक है, तो चलो एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखें। मैजिक हो चुका है, मैजिक हो चुका है, आपको आ चुका है, नाउ यू विल बी एबल टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ अ 2 डिजिट एंड अ 3 डिजिट नंबर विद इन सेकेंड्स। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो बच्चों, यू विल गेट अ होल्ड ऑफ इट, ट्रस्ट मी। ठीक है, एंड मजा आ जाएगा सच्ची। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आप ट्राई करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, तो वही चीज करेंगे, हमने डिवीजन कैसे करनी है, 4 को अलग लेना है, 25 को अलग लेना है, तो ये दोनों नंबर्स हमने ले लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर आएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 25 का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे 25 का स्क्वायर, बीच में क्या आएगा, 4 into 25 into 2, यही लिखा, 4 into 25 into 2, बस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 4 4 16 लिख दिया 16, 25 2 54 200, बट लिख क्या सकते हैं, 2 को कैरी लेना पड़ेगा और 0 0 ऐसे लिख दिया क्योंकि 200 आया ना, तो हम सिर्फ 2 डिजिट लिख सकते हैं, तो इसीलिए ऐसा किया, राइट। 25 स्क्वायर होता है 625, पर 625 का हम क्या करते हैं बच्चों, जो जो मैंने सिखाया, 25 को 25 लिखेंगे, ये वाले को तो कैरी लेना पड़ेगा, तो 6 को ले लिया कैरी एंड 25 को एज इट इज लिख दिया, तो बस एडिशन कर दो, बस और कुछ भी नहीं करना, एडिशन करना था तो कर देते हैं, 5 का 5, 2 का 2, फिर 6 प्लस 0 6, देन 0, देन 6 प्लस 2 8, देन 1 1 8 0 6 2 5 इज योर आंसर। देखो कितना बड़ा आंसर आया है, बट कितने टाइम में आया, इतने से टाइम में, है ना, है ना। तो मतलब जितना भी बड़ा से बड़ा 3 डिजिट नंबर ले लो, आपको उसको ऐसे कर देना है मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ना। तो चलो अगला क्वेश्चन खुद करके देखो, मैजिक हो चुका है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, तो आप खुद करो, उसके बाद मैं तो कर ही दूंगी। ठीक है जी, तो प्रैक्टिस करते हैं साथ की साथ, उसके बाद आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी, पहले आप ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, यस। ठीक है, कुछ नहीं करना, पेयरिंग कर लो, 7 को अलग कर लो, 21 को अलग कर लो, तो आपको पता है कि इस वाली ब्लैंक में क्या डालना है एंड लास्ट वाली ब्लैंक में किसका स्क्वायर आएगा, बीच में क्या आएगा, ये भी आपको पता है, सिंपल एडिशन करना है, दैट इज इट बच्चों, दैट इज इट, यस। तो करूं, हो गया होगा अब तक, तो इतना तो टाइम भी नहीं लगेगा, राइट। तो यहाँ पर आएगा 7 का स्क्वायर, है ना, ये 21 को उठाओ, पूरा का पूरा 21 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा, बीच में क्या आएगा, 7 into 21 into 2, राइट, सो 7 into 21 into 2 बीच में आएगा, तो बस 7 7 49, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर आ जाएगा 294, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 294 बनता है, तो 2 कैरी हो जाएगा, 94 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 21 स्क्वायर होता है 441, है ना, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और 41 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपको समझ में आ गई ना बात, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही डिजिट लिख सकते हैं वहां पर। क्लियर हुई बात, इज इट क्लियर, यस, ओके। बस अब एडिशन ही तो करना था, तो 1 फिर 4 फिर 4 प्लस 4 8, देन 9, देन 9 प्लस 2 हमारा 11, तो 1 यहाँ पर, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, तो 519841 इज योर आंसर। हो गया मैजिक, हो गया मैजिक, मजा आया, मजा आया। तो मतलब आप कितनी आसानी से, देखो पता है क्या होता है ट्रिक्स का ना, ये सीन होता है कि आप ट्रिक सीख तो लेते हो, बट कुछ टाइम के बाद ना आपके दिमाग से निकल जाती है, आप भूल जाते हो, तो ताकि आप किसी ट्रिक को भूलो ना बच्चों, तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपने किसी नंबर का स्क्वायर ढूंढना है, चाहे आपको पता क्यों ना हो उसका स्क्वायर क्या है, ठीक है, मेरी बात समझो, कि चाहे आपको पता क्यों ना हो, तो आप हमेशा इस ट्रिक से स्क्वायर ढूंढने की कोशिश करो, तो एक बार ना आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको एफर्ट भी नहीं लगेगा ट्रिक को याद करने का, बाय डिफॉल्ट आप इसी ट्रिक को आपका दिमाग अप्लाई करेगा एंड आप आंसर निकाल दोगे, ट्रस्ट मी।
ठीक है, तो ये ट्रिक्स सिखाने का मतलब ये है कि आप इन ट्रिक्स को अपनी एक्चुअल कैलकुलेशंस जो आप करते हो उसमें अप्लाई करो, तभी फायदा है। क्योंकि आज आपने सीख लिया, आज आपको मजा आ गया, परसों मैं आपसे पूछूंगी आप भूल जाओगे, इवन मैं भी भूल जाऊंगी, ठीक है। अगर मैं भी प्रैक्टिस नहीं करूंगी आई विल ऑल्सो फॉरगेट इट, बिकॉज ट्रिक्स है ना, तो हमें प्रैक्टिस तो करनी होगी। तो इसीलिए जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप कर सकते हो उतने ज्यादा अपने आप को ही होमवर्क देते रहो, अपने आप को ही प्रैक्टिस करते रहो, तो देखना ये फिट हो जाएगा दिमाग। समझ में आई बात? तो चलो बढ़ते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन की ओर बच्चों। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि इसका आंसर क्या हुआ। ट्रिक से बताना है, ऑनेस्ट रिप्लाई चाहिए। कैलकुलेटर उठा के 99 × 99 करके मुझे आंसर नहीं दे देना फास्ट देने के चक्कर में। ऑनेस्टी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट? तो अपने आप से ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा ना, ठीक है। तो ये था आज का ट्रिक, आई होप आपको मजा आया। मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए क्योंकि आप खुद करो, बड़े हो गए हो अब तो, खुद करो, खुद को अपने आप को होमवर्क दो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। सो जाते जाते मजा आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी बताओ कि यार ये अमेजिंग ट्रिक देखो तो सही, कितने आसानी से कर लेंगे। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, जो भी नए बच्चे हैं प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू, टाटा, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई रियली रियली होप, ठीक है। तो अगले हफ्ते एक नई ट्रिक के साथ आऊंगी मैं आपके लिए, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, एंड मिलते हैं अगले सेशन में।